कमल की कीचड़ वाणी। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद तुरंत बोलना कि फायदेमंद नहीं है, देश के लिए भी नहीं और किसी भी राज्य के लिए नहीं। जॉब के नाम पर जहर बयानी। जिस ढंग से समाज में अराजकता बढ़ रही है, गैर बराबरी बढ़ रही है, ये आगे सिविल वार का खतरा दिखाई दे रहा है। हेट स्पीच या नादानी। एमपी में नहीं चाहिए यूपी बिहारी। कानपुर वाले नाथ की सुनिए बचकानी। अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कमलनाथ ने सूबे के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस दौरान कमलनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे लेकर बिहार में सियासी हंगामा खड़ा हो गया। कमलनाथ ने यूपी और बिहार के लोगों पर मध्य प्रदेश की नौकरियां लेने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि बिहार और यूपी के लोगों की वजह से मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित हो जाते हैं, यानी कि उन्होंने सीधे सीधे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। बिहार में कमलनाथ के बयान का विरोध हो रहा है। बीजेपी ने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है, जबकि आरजेडी कमलनाथ के बयान के बचाव में उतर गई है। बहुत सारे ऐसे उद्योग लग जाते हैं जहां अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से, मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहते हैं, तो उनको तभी उन इंसेंटिव्स का लाभ मिलेगा अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश का लोकल हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बयान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। आरजेडी के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि देश में सिविल वॉर के हालात बन रहे हैं, विकास का पैमाना बदलने की जरूरत है, तो जेडीयू के नेता अशोक चौधरी ने कहा है कि कमलनाथ का बयान क्षेत्रवाद को बढ़ाने वाला है, अगर सभी ऐसा सोचेंगे तो भारत की स्थिति रूस से भी खराब हो जाएगी। जबकि आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कमलनाथ के बयान से खुद को अनभिज्ञ बताया। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका यह बयान गलत है। कांग्रेस विधायक रामदेव राय ने भी कमलनाथ के बयान की आलोचना की। जिस ढंग से समाज में अराजकता बढ़ रही है, गैर बराबरी बढ़ रही है, ये आगे सिविल वार का खतरा दिखाई दे रहा है। अब जो कमलनाथ जी ने कहा या दिल्ली के लोग जो कभी कभी बोलते हैं या महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है, ये क्या है, किस दिशा में देश जा रहा है? देखिए, हमने कहा कि सबको स्वतंत्रता है कहीं भी आने जाने, धंधा करने, रहने की, इसलिए इस तरह की बात कहीं से भी करना मुनासिब नहीं है। लेकिन सवाल यह जरूर उठता है कि बिहार में ऐसे इस तरह के जो बेरोजगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनका इंतजाम यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, यह बड़ा सवाल है। अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश से, और हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रोजगार से वंचित रहे। नहीं, हमको नहीं लगता है कि ये उचित बयान है। देखिए, देश एक है, संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी राज्य का व्यक्ति कहीं भी जाकर जमीन ले सकता है, रह सकता है, काम कर सकता है, जॉब अप्लाई कर सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था गुड गवर्नेंस के लिए, इसके लिए नहीं हुआ था कि आप रीजनलिज्म का आप रीजनल नेता हो जाइए। क्षेत्रवाद को उभारना बहुत गलत है, मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दे सकता हूं, मगर क्षेत्रवाद उभरना चाहिए ही नहीं। गठबंधन अलग चीज है, तो राजनीतिक गठजोड़ है, उससे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कमलनाथ जी का अपना व्यक्तिगत बयान है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद तुरंत बोलना ये फायदेमंद नहीं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कमलनाथ के बयान का विरोध किया। मनोज झा ने कहा कि कमलनाथ का बयान बिल्कुल अफसोसजनक है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान भी किसी भी तरह से कमलनाथ के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। हमारे साथ आरजेडी के सांसद मनोज झा मौजूद हैं।
सर, मेरा सीधा सवाल है कि कमलनाथ ने जो बयान दिया है उसमें कहीं ना कहीं बिहार अस्मिता को छूने वाला बयान लगता है क्या? देखिए, मैं सीधे तौर पे तो सुबह से जब से दोस्तों ने प्रतिक्रिया लेनी शुरू की, मैंने कहा अगर ये बयान सच है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी सर्वथा कंडमनेशन होनी चाहिए। हम सब इसके खिलाफ एक एक क्षण प्रति क्षण हमेशा रहेंगे, क्योंकि इस राजनीति को हमने झेला है। शिवसेना मनसे ने यही किया है, मारपीट की है हमारे उत्तर भारतीयों के साथ, बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ। और मैं समझ रहा हूँ कमलनाथ जी का बयान हिंदुस्तान के मिजाज के अनुरूप नहीं है और ना ही कांग्रेस के मिजाज के अनुरूप है। मैं नहीं समझता हूँ राहुल जी या सोनिया जी इस बयान के पक्ष में खड़े होंगे, एक संदेश जाना चाहिए उनको। रही बात उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को योगदान की, तो मैं तो कहूंगा लोगों से वो तराजू पैदा करो, जिस तराजू में हमारे योगदान को तौल देना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया है इस देश के। से महागठबंधन के स्ट्रक्चर पे पूरे देश में असर नहीं पड़े? कोई नहीं, महागठबंधन के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। किसान हाहाकार मचाए हुए है, दलितों में हाहाकार है, युवा परेशान है, रोजगार ढूंढ रहा है, पकौड़े तलने को तैयार नहीं है, महिलाएं महफूज नहीं है, वो मुद्दे हैं। और जिन लोगों ने इस तरह के बयान दिए वो भी उसको रिट्रैक्ट कर लेंगे, इतना हमें भरोसा है। अगला गठबंधन जो है ना, हम भारत के लोग का गठबंधन है, उसके खिलाफ सिर्फ एक चीज है, वो है संघ नागपुर वाला। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये आरजेडी के सांसद मनोज झा थे जिनसे हमने कमलनाथ के बयान के बाद उठे बवंडर पर खुलकर बातचीत की। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ स्वप्निल, जी मीडिया, दिल्ली। एलजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कमलनाथ के बयान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि आखिर इस तरह से बयान के क्या मायने हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा फूट डालो की राजनीति करती है। चिराग ने कहा कि आखिर कैसे कांग्रेस के सहयोगी इस पर खामोश रह सकते हैं। चिराग पासवान ने कांग्रेस से जवाब मांगा है। चिराग पासवान ने कहा कि इस मसले को एलजेपी संसद में उठाएगी। हमारे संवाददाता आशीष इकबाल ने चिराग पासवान से बातचीत की। हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मौजूद हैं। सर, मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, कमलनाथ नए मुख्यमंत्री बनते हैं, बनने के साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बिहार और यूपी के जो लोग हैं वो रोजगार एक तरह से छीन लेते हैं, तो उन्होंने कुछ इंसेंटिव भी 70% जो है देने का ऐसा कहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट देगा उसी को देंगे, तो क्या इस बयान को कैसे देखते हैं आप? हम एक कहना, सबसे पहले तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं, उनके लिए हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और जो भी उन्होंने कहा है उसको निगेटिव अगर सोचा जाए तो एक अलग बात है, अगर पॉजिटिव की बात है तो बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग बाहर के राज्यों में क्यों जाते हैं, ये सोचना पड़ेगा भारत सरकार को भी और बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी। हम तो आलोचना, कमलनाथ के बयान पर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सफाई दी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कमलनाथ ने अपने राज्य को विकसित करने और युवाओं को रोजगार देने को लेकर पहल की है। उन्होंने कहा कहीं भी बिहार की अस्मिता को प्रभावित करने का काम नहीं किया। मदन मोहन झा ने कहा कि देश के हर नागरिक को देश में कहीं भी रहने और रोजगार करने का अधिकार है। साथ बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा मौजूद हैं। मेरा बहुत सीधा और एक सवाल है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि रोजगार वहां कम इसलिए हो जा रहा है कि यूपी बिहार के लोग आ जाते हैं, रोजगार एक तरह से छीन जाता है, 70% इंसेंटिव भी उन्हीं कंपनियों को देंगे जो लोकल लोगों को 70% एम्प्लॉयमेंट देंगे, क्या कहेंगे आप? माननीय मुख्यमंत्री जी ने होते ही बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, समझते हैं जो हमारे नेता राहुल गांधी जी का जो एजेंडा था उस पर पहले ही उन्होंने काम शुरू किया, होते ही उसी से शुरू किए हैं। और बिहारी का जहाँ तक सवाल है, और बिहारी शुरू से ही मेहनती रहे हैं और जहाँ भी काम किए हैं बहुत ईमानदारी से किए हैं, और जिस कंपनी में भी आप देखिएगा वो विकसित होने, उसको विकसित करने का काम बिहारियों ने किया है। किस संदर्भ में उन्होंने काम, उन्होंने कहा है कि मैं उन लोगों को सम्मान करता हूँ, हो सकता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वहाँ के, अपने स्टेट के लिए वहाँ के एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ जो देश के हरेक कोने के जितने भी प्राणी हैं सबको एक दूसरे स्टेट में जाके काम करने का अधिकार है। इसमें उन्होंने वंचित नहीं किया है, परसेंटेज की बात की है, उन्होंने मौखिक उनकी इच्छा है उस पर कोई एक्शन तो नहीं लिया है उन्होंने अभी। हम समझते हैं बिहारी के लोग जहां जिस क्षेत्र में भी रहे हैं वो बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं काम करने के लिए, और काम करते भी हैं, काम मेहनत के बल पर आगे बढ़े हैं।
शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा थे जिनसे हमने कमलनाथ के बयान पर खुलकर बातचीत की। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ स्वप्निल जी मीडिया दिल्ली। तरह के बयान को कैसे दे? देखिए मुझे लगता है इसका रिएक्शन सबसे पहले राहुल गांधी जी को देना चाहिए। उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या वो इस बात से सहमत हैं जिस तरीके से ये लोग क्षेत्रीयता को बढ़ावा दे रहे हैं। हम लोग एक राष्ट्र की बात करते हैं, हम लोग पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, हम लोग भारतीय होने की बात करते हैं। वहां पर जब इस तरीके के बयान आते हैं जहां पे एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, अभी नव नियुक्त मुख्यमंत्री, जब इस तरीके के बयान देते हैं कि दूसरे प्रदेश के लोग आकर, और खासतौर पर वो दो ऐसे प्रदेशों पर निशाना साधते हैं, या तो जनता से बदला ले रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में ना के बराबर सिमट कर रहेगी अब कांग्रेस, बिहार में ना के बराबर सिमट कर रहेगी ये कांग्रेस।